नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज नेटवर्क न्यूज 18। और मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान है बात करने के लिए। वो बॉलीवुड की तो जानी मानी एक्ट्रेस हैं ही, लेकिन इस बार वो हैं भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत। कंगना जी, आपका अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद अमीश जी। लोग राजनीति से दूर भागते हैं बॉलीवुड वाले, आप उसके और करीब आ गई हैं, तो ये जोखिम क्यों उठाया आपने? वाकई में जोखिम है ये जी। लुकिंग एट द हार्ड वर्क दैट गोज इनटू इट एंड फार फ्रॉम द ग्लैमर, ऑल ऑफ यू नो, हम लोग तो कितना आदि होते हैं और एक्चुअली में एम्बैरेसिंग भी है, किस तरह के बबल में रहते हैं, हमारे हेयर मेकअप से लेके असिस्टेंट से लेके शेफ ट्रेनर से लेके, और एक ये बहुत ही वास्तविक दुनिया है, और जहाँ पर जितनी चाहे रूरल एरिया हो या जितना जिसको ज़्यादा जरूरत होती है वहाँ ज़्यादा जाना, यू नो तो खैर मुझे मेरा ये मानना है कि ये कोई पर्सनल एम्बिशन तो है नहीं कि मुझे जो है नेता बनना है, लोगों को कहना चाहिए कि ये हमारी नेता है। एंड अगर मैं कहूँ कि हाँ मुझे राजनेता बनना है, देन इट इज़ वल्गर। तो इन माई एक्सपीरियंस ऐसी कुछ सिचुएशन बनी, ऐसी कुछ लोगों ने मुझे इस लायक समझा, इतना कामयाब समझा, उस टाइम पे तो मुझे बड़ा फ्लैटरिंग लगा जब मुझे कहा कि आप खड़े होना चाहेंगी क्या यहाँ से मंडी से। इनफैक्ट मुझे 2019 में भी एक ऐसी संभावना बनी थी, उस टाइम भी मुझे पूछा गया था। तो चाहे वो मेरा वर्क वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो, या मैंने वेरी ओपनली जो हमेशा सरकार का जो है वो, चाहे वो भारत के राष्ट्रवादी जो सरकार का मैंने जो पक्ष लिया है, या मेरी खुद की जो है वो एज अ वुमन जो संघर्ष रहा है फ्रॉम, मुझे नहीं लगता कि आज तक भारत के इतिहास में, सिनेमा के इतिहास में एक रूरल एरिया से आने वाली किसी महिला ने, एक आदिवासी एरिया से आने वाली महिला ने जो है फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का सुपरस्टारडम, चाहे जो भी रीज़न रहा हो, उन्होंने जब मुझे ये संभावना जब बनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अरे वाह यार, हमें ऐसे सोचा है तो वाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट। लेकिन अब जो जब नानी याद आती है लेकिन आपको ये, क्योंकि देखिए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, जब मैं आपको सोशल मीडिया पे ट्रैक कर रहा था, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, हर व्यक्ति आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है। एक तो आप बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है, वो भी एक कारण है, दूसरा आप मंडी की खुद की हैं, मंडी की खुद की बेटी हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो कनेक्ट है ये आप कर पा रही हैं? और 19 में आपने क्यों मना करा और 24 में हाँ क्यों करा? 19 में एक तो जो संभावना बन रही थी वो मध्य प्रदेश से बन रही थी, और एक तो मैं कभी मध्य प्रदेश में रही नहीं थी, तो हमेशा ये दिल में था कि अगर कभी हो तो अपने ही प्रदेश का जो है वो सेवा करने का मौका मिले। और हमारा देश, हमारा जो प्रदेश है बहुत ही ज़्यादा कई जगहें हैं जहाँ पे पिछड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी मेरे प्रदेश के लिए, एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। आपने बीजेपी को क्यों चुना? ऑप्शन तो कांग्रेस भी थी, ऑप्शन तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वाई भारतीय जनता पार्टी? ये भी सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि गैंगस्टर के एकदम बाद भी जो है मुझे कांग्रेस से ऑफर आया था जी विधायक का, क्योंकि मेरे जो परदादा जी हैं जिनके आप वो देखते सबसे ऊपर जो फोटो है जी वो विधायक रह चुके हैं, और वो भी वो 10-15 साल विधायक थे, कांग्रेस से विधायक थे। तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर जो ना कि मेरे पिताजी भी कांग्रेस में पदाधिकारी थे, तो खुद ही घर पे इतना प्रेशर हो जाता है। कांग्रेसी और आप भारतीय जनता पार्टी में चली गई? वही, मुझे उस टाइम पे गैंगस्टर में पापा आ गए अपना झंडा उठा, कहते बेटा अब हम राजनीति में, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि पहले मुझे कहते रहे कि आप खड़े हो क्योंकि सरजू सिंह ठाकुर के परिवार से कोई तो होना चाहिए आप। अब मैंने कहा पागल हो गए हैं क्या, क्या ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, और आप ये मतलब मुझे, मैं पॉलिटिक्स में कभी जाऊंगी ही नहीं, ये मेरे जो शब्द है जी, मेरे ये शब्द सोचा नहीं था मैंने। कभी कहती होंगे आप बेटा मैंने तो, तुम मुझे तो बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊँ, नजर बचाते हुए फिरते हैं वो। सुखू जी ने भी तो कहा है ना कि इनके पिताजी हमारे जो है अध्यक्ष, यूथ अध्यक्ष बनाया हुआ था उनको, सुखू जी भी कहते हैं पापा जी के बारे में, तो वो अपने दोस्तों से नजर छुपाते हुए फिरते हैं, अब क्या करेंगे। लेकिन ये स्वाभाविक है, और मैं आपको ये दिल से ये बता रही हूँ कि एक जब एक ऐसे नेता होते हैं, है ना, जो चाहे आप देखो सुभाष चंद्र बोस हुए या महात्मा गांधी हुए, या एक एक लार्जर देन लाइफ जब कोई एक नेतृत्व आता है ना,
तब युवा लोगों में जो एक देश के प्रति जो कहीं ना कहीं सोया हुआ था, वो हमारी जो चेतना शक्ति है वो जगाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और तभी हम आकर उनसे जुड़े हैं। तो आप कहती है आपको लग रहा है कि बीजेपी क्योंकि राष्ट्रवादी है, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व करिश्माई है, इसलिए आप आई। लेकिन देखिए राजनीति में जब आती हैं तो आक्षेप लगते हैं, जब आपको नाचने गाने वाली कहा जाता है, इस तरह के शब्द कहे जाते हैं, तो आप कहती हैं कि मैं एक राजपूत महिला हूं, मैं लड़ना जानती हूं। नहीं, मैं यही देखिए, जब एक महिला जो है वो आप कहती हैं मैं नाचती नहीं हूं, मैं हड्डियां तोड़ती हूं। वो तो खैर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी बहनें हैं, चाहे वो नाचते गाने वाली भी क्यों ना हो जी, उनको भी सम्मान हमें देना चाहिए, क्योंकि नृत्य शास्त्र जो है, सामवेद जो है हमारे शास्त्रों में, वो बहुत ही एक अहम वेद है। और खैर मेरी जो बात रही है, मेरे जो रोल रहे हैं, हमेशा महिला सशक्तिकरण की भूमिका मेरी रही है, चाहे वो क्वीन हो या चाहे वो मणिकर्णिका हो, जयललिता हो, या एक बेटी जिसने अपना पूरा करियर मुझे खानों के साथ काम करने का, जहां आप जानते हैं कोई एक्ट्रेस आज तक ऐसी नहीं हुई है जिसने खानों के साथ काम करने की जो है वो रिजिस्ट किया हो, या यशराज के साथ, या मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, मैंने अपनी एक जर्नी बना के रखी। तो आइटम नंबर के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, पे पैरिटी के खिलाफ, सेक्सिज्म के खिलाफ, फेयरनेस क्रीम्स के खिलाफ, तो जितना मैंने एक्टिविज्म फिल्मों में रह के किया है। एक रिस्क तो आप लेती हैं हमेशा से ही, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिस्क ले लेती हैं कि कई बार आप पर भी भारी पड़ जाता होगा, परिवार बारे बोलते होंगे क्यों फंसा देती हो तुम हमें भी इस चक्कर में। नेचुरली उनके लिए ये बहुत ही, अब देखिए सब भाजपाई बन गए हैं तो इनके लिए भी एक बहुत ज्यादा, और खासकर जो शिवसेना वाला जो हुआ था तो मेरी माताजी और सब बहुत ज्यादा डर गए थे, और उनके लिए एक बहुत ट्रॉमेटिक फेज रहा था। तो मैं ये कहूँगी कि जब महिलाएं जो हैं फील्ड में होती हैं तो ये शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, चरित्र या या आइटम चीज है जो उसको देखने, इस तरह की जो चीजें हैं वो सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब पुरुष होते हैं तो अक्सर ये वर्ड्स नहीं आते हैं, पुरुष कभी अपवित्र नहीं होते हैं, या पुरुष कभी चीज होके उनको महिला जो आइटम देखने नहीं आती है। ये जो एक डीप रूटेड सेक्सिज्म है हमारी सोसाइटी में, वी मस्ट कॉल इट आउट। देखिए क्योंकि एक महिला नेत्री है कांग्रेस की, उन्होंने आप पर एक बहुत ही खराब टिप्पणी करी जब आपको टिकट मिला ही था, सुप्रिया श्रीनेत उनके इंस्टाग्राम हैंडल से एक टिप्पणी हुई और देश भर में इसका एक विरोध हुआ, अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों ने इसका विरोध करा। उस समय आपको लगा कि ये तो बॉलीवुड से भी खराब स्थिति है यहाँ पर, तो मतलब जो एक महिला नेत्री ने लिखा, हालांकि उन्होंने बाद में बोला गलती से उनके अकाउंट से किसी ने लिख दिया था ये, लेकिन व्हाट यू फेल्ट? अक्सर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो बॉलीवुड से ज्यादा बदतर स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे तो कहते हैं कि आर्टिस्ट तो मतलब है ही नहीं, तो मुझे कहते हैं कि आपकी एजुकेशन ही क्या है, आप तो कुछ है ही नहीं, और मतलब जो लोग खुद BA MA किए हुए हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि सिर्फ BA MA ही एजुकेशन नहीं होती है, कि आप स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं, मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में एजुकेशन ली है, क्या आप एक फिल्म को का सीन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या आप भरतनाट्यम कर सकते हैं, तो वो उसको कुछ समझते ही नहीं है जो कला को। लेकिन जो पर्सनल अटैक हुआ आप पर, आपको जब आपके लिए इस तरह के शब्द लिखे गए, तो गुस्सा आया आपको या अफसोस हुआ? आई वॉज शॉक्ड क्योंकि उन्होंने जो है मेरी फिल्म प्रमोशंस, जो हमारी फिल्म होती है, हम उनकी जो प्रमोशन करते हैं वो उनके कैरेक्टर में रह के करते हैं, चाहे मैं लक्ष्मीबाई की प्रमोशन करने लग जाऊं तो मैं पाइथनी पहन के निकलूंगी, ये टीम रहती है जो हमें बताती है कि भाई किस तरह से आप, अभी जैसे एक धाकड़ फिल्म में जो था मेरा एक स्पाई एजेंट जो डिफरेंट जो है सेडक्टिव गेटअप करके जो है इन्फॉर्मेशन, जैसे माताहारी टाइप जो कैरेक्टर रहते हैं करती है, तो वो फिल्म से जो है इवेंट प्रमोशनल इवेंट का जो कैप्चर करके जो है वो लगा के कि इसके क्या भाव चल रहे हैं, I was deeply shaken about the perception how they were putting and maybe that's what they how they assume ke aap ke kapdon ko leke wo aap kaise bhav tay karte hain, to I was deeply shaken by it. aur wo bhi desh ki rashtriya party congress ki social media head jo thi unhone wo baat kar, to ek mahila kuch mahila hokar wo is tarah ki, to I was shaken by it ke ye kya ho raha hai, and obviously mujhe us time pe dar laga कि किस तरह से जो है मुझे एनालाइज और स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। एक हेडलाइन आपने भी बना दी, आपने एक ऐसी बात बोली छोटा पप्पू बड़ा पप्पू, वो दिल्ली तक हेडलाइन बन गई, अब क्यों बोलने की आपको जरूरत थी?
क्या आपको लगता है कि, और इस पर विक्रमादित्य ने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब इसमें, नहीं देखिए आपको भी मानना पड़ेगा कि ये कैसा इत्तेफाक है कि मैं जहां जहां जाती हूँ नेपोटिज्म मेरे पीछे पीछे घूमता है। ये भी बात सही है ना, तो कितना इत्तेफाक है ये सोचिए। मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने कल भी सोशल मीडिया पर लिखा जी कि मेरे जो प्रत्याशी हैं, एक तो वो एक राजकुमार है, ऐसे मैं तो ऐसे भी इनको फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे ऋतिक हो रणबीर हो, मैं इनको राजा बाबू बोलती रहती हूँ हमेशा जी, क्योंकि ये ऐसा लगता है बिगड़े हुए एकदम पीछे पीछे इनके जो है बाबा 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 करके घूमते रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही। ऊपर से यहाँ पे ये एक सर्टिफाइड राजकुमार है, फिर इनके पिताजी हैं वो 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर उसके बाद माता जी जो हैं और उनके पिताजी मिलकर इनके परिवार से 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके, 8 बार। माता जी खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी MP हैं, ये खुद 10 साल से विधायक हैं, और ये जो खुद हैं PWD मिनिस्टर अभी हैं इस टाइम पे, और इसके सिवा एक और मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट की इनके पास है भाई। और कितना कितना और कितना, मतलब और भी प्रदेश में बच्चे हैं और भी युवा हैं, मतलब आप, आपको तो नैतिकता के अधिकार बेस पे कहना चाहिए कि भाई अब हमारी फैमिली अब नहीं खड़ेगी, या तो हम में से कोई एक जो है वो आगे आएगा और बाकी बच्चों को भी जो है वो मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए इनके, ऐसा लगता है कि जैसे परिवारवाद का एकदम जैसे जो दीमक है वो इस प्रदेश को खा गया है, तो मुझे लगता है कि मुझे ही ये सब कैरेक्टर जो है क्यों मिलते हैं। तो ये छोटा पप्पू आपको किसी ने बताया था बोलने के लिए या आपने खुद बोल दिया था? देखिए अब क्या होता है ना कि जो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है लोगों को, एक तरफ आप देख लीजिए जैसे कि ये अपने राहुल गांधी जी हो गए, वो वहाँ आज़ादी के टाइम से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा, फिर राजीव, फिर उसकी माता जी भी, और फिर अब मतलब कमॉन यार, आप तो बहन उनकी कह रही है अमेठी में गई थी स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रचार करने के लिए, रायबरेली में भी वो गई थी, उन्होंने बोला इस बार ये आप रायबरेली में एक MP नहीं चुन रहे, आप देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हो राहुल जी के लिए। तो मैं वही कह रही हूँ कि इनको नैतिकता के अधिकार आधार पे कहना चाहिए कि भाई हमारा जो परिवार है अब पीछे हट रहा है, क्योंकि और भी जो लोग, आपको लगता है ऐसा होगा पॉलिटिक्स के अंदर? तो आपको लगता नहीं ऐसा होना चाहिए? नहीं, होना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन होता नहीं है। नहीं पर अब आप देखिए जैसे अब, पर जनता तो चुन रही है उनको, फिर जनता तो बार बार चुन रही है, पर ना कहाँ चुन रही है जनता आपको, कमाल करते हैं आप, वो हर बार लॉन्च होते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं वो, कहाँ जनता। अब वायनाड ने चुन लिया उनको, पिछले चुनाव में वो अमेठी में हार गए, पर वायनाड पांच जगह से आप आओगे, पांच कोई ना कोई तो आपको, ऐसे थोड़ी होता है, आप कमाल करते हैं। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में जो तो फिल्में तो बनाई जा रहे हैं अपने पुतों सुपुतों की, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, इसके साथ फिल्म इंडस्ट्री डूब गई, वो हटने का नाम नहीं लेते हैं, उनको उन्हीं बच्चों को चलाना है, उन्हीं को करना है। तो खैर अब फिल्म इंडस्ट्री जिसको देखना है देख लेते हैं, राजनीति में तो आपको लगता है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से थ्राइव करनी चाहिए थी वैसे कर रही है? नहीं, वहां भी नेपोटिज्म का दीमक जो खा गया। और इनको मिलते कौन है? मैंने ही इनका जो है वो बेड़ा कर करके, जैसे महिषासुर मर्दनी महिषासुर का जो है वो संहार करती है सारे, मतलब ये नेपोटिज्म वालों का पंगा आप ही से होता है सबका। मैं खुद परेशान हूँ भाई, मैं खुद परेशान हूँ, मैं एक बड़ी शांति की जीवन जीना चाहती हूँ। कहाँ आप शांति का जीवन जीना चाहती हैं? वो जो है मुझे ढूंढते हैं और फिर जो है वो खुद नष्ट हो जाते हैं, लोग मुझे कहते हैं फिर इसने इसको खत्म कर दिया। अच्छा चलिए, राजनीति का तो छोटा पप्पू, बड़ा पप्पू, मिडिल पप्पू सब आपने बता दिया, अब ये बॉलीवुड का बड़ा पप्पू और छोटा पप्पू कौन है? अरे बॉलीवुड में तो आपको पता है पूरी तरीके से जो है खानदानों ने उसको कैप्चर किया, वो तो मैं डे वन से आपको, तो कोई तो होगा आपकी नजर में बड़ा, कौन कौन है? नहीं देखिए अभी करण जौहर जो है वो अपने पिताजी के बनाए हुए एम्पायर और रियासत पे इस तरह से बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ मैंने, उन्होंने मुझे कहा था लंदन में जाकर, उन्होंने कहा था, मैं उसको कहता हूँ कि निकल जाए फिल्म इंडस्ट्री से, सेम भाषा यूज करते, अरे गूगल करिए ना आप, निकल जाइए फिल्म, उनका बहिष्कार हुआ, सारे देश ने थूका था उन पे कि आप कौन होते हैं इसको धमका के निकालने वाले, तो कितनी गंदी बात उन्होंने कही ना। तो इससे पता चलता है कि अगर उनके पिताजी जो यश जौहर खुद होते वो कभी ऐसे नहीं कहते, यश चोपड़ा ने खुद जो है वो शाहरुख खान को बनाया है, वो लोग उनकी इंटेग्रिटी अलग थी, क्यों? क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे। शाहरुख खान को मानती है कि ही इज अ रियल स्टार? ऑफ कोर्स, देखो जो जो इंसान खुद स्ट्रगल करके बने हैं ना उनमें उनकी इंटेग्रिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो माँ बाप के पैसे पे बैठ के खा रहे हैं ना वो लोग जो है वो इस तरह की बातें, निकल जाओ, चले जाओ, यहाँ से जाओ, ये हमारा है, हम करेंगे, और फिर छोटे छोटे बच्चों की तरह बातें करते हैं और फिर उनको पप्पू कहते हैं, फिर उनको बुरा लगता है। तो बॉलीवुड में छोटा कौन दिखता है आपको?
पप्पू मतलब आप देखिए, मैं अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट. आप सब आप जानते हैं कि जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वो परिवारवाद से भरी हुई है. इनका पूरा ग्रुप है जिन्हें चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, उन्हीं को प्रमोट किया जाता है, उन्हीं की फिल्में बनती है, बाहर आउटसाइडर्स को आने नहीं दिया जाता है. तो इस तरह से खैर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप क्यों चाहते मेरे मुंह से निकले. और मैंने आज तक जो वहां पे क्या कम बोला है जो आज. लेकिन लेकिन आप आपको भी मतलब आपकी एक फिल्म आई थी पंगा, आपको भी पंगा लेने की आदत है इन सबसे. अरे मुझे नहीं है, ये लोग मुझे ढूंढते हैं, ये लोग मुझे ढूंढते हैं. और इन लोगों को जो है लिटरली मैं कहती हूँ कि मैंने कभी सोचा था कि विक्रमादित्य मेरे अपोनेंट होंगे यहाँ पे, आप कभी सोच सकते हैं. तो अचानक कांग्रेस ने अचानक उनको अपोनेंट बना के दे दिया. तो फिर वो पहले से कोई और लड़ने वाले थे, तो फिर विक्रमादित्य आगे, मतलब इस पूरे एरिया में सबसे धाकड़ कैंडिडेट वही माने जा रहे हैं. तो मैं वही कह रही हूँ, मैंने थोड़ी ना सोचा था. और सबसे बड़ी बात, जो फिल्म इंडस्ट्री में जाकर मैंने कहा था कि मुझे इल ट्रीट करो और मुझे जो यहाँ से निकालने की कोशिश करो, ये लोग खुद मुझे ढूंढते हैं. खुद जितना पप्पू गैंग खुद मुझे ढूंढता है और फिर जी खुद बाद में कहते हैं हमें बर्बाद कर. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लोग प्रशंसा नहीं करते. मैंने आयुष शर्मा उद्धव ठाकरे मैंने उसको क्या आप सोचते थे मैंने उनको बोला कि आप आओ और मुझसे बैल मुझे मार. वो तो उन्होंने खुद मुझसे पंगा लिया. और वो और जब राज ठाकरे होते तो उनकी और मेरी जबरदस्त दोस्ती होती. उनकी इंटेग्रिटी अलग है, इनकी इंटेग्रिटी अलग है. और आइडियोलॉजी की बात नहीं है, बात वही पप्पू परिवार की है. आपने उद्धव ठाकरे से पंगा क्या लिया? भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी. वो पार्टी मतलब बची नहीं है. आप उद्धव ठाकरे बचे हैं, आदित्य ठाकरे बचे हैं. अरे फिर ये और मतलब उनके साथ उनके बाकी नेता हैं. मैं वही कहती हूँ इनको, विक्रमादित्य को भी, कि तुम्हारे पास दो दो मिनिस्ट्रियां हैं. अब ये सत्ता की भूख ऐसा ना हो जो था वो भी तुम्हारे हाथ से जाए. ये सत्ता की भूख, अब आप बोलोगे कि जी तुमने उसको वो कर, अरे वो उनकी सत्ता की भूख नहीं आपको दिखती क्या? उनके पास दो दो मिनिस्ट्रियां और रोड्स के इतने गंदे हालत है और रोड पे ढाई ढाई फीट के गड्ढे. कल मेरे साथ जो लोग थे चक्कर आके गिर गए, उनको अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है. वो करना क्या रहे हैं, अच्छा अब मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, मेरी फैमिली का उसमें दबका है और मुझे ही लेके रखना है. उनका आप देखिए, उनको क्वेश्चन आपको करना चाहिए कि भाई आप में जो सत्ता की भूख है, ऐसा ना हो जो आपके पास था वो भी लेके जाए. जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग मिले भी थे. एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उससे पहले एक सवाल है कि आयुष शर्मा है एक एक्टर, उनसे मैंने सवाल पूछा आपके बारे में. मैंने पूछा कि आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ करी. उन्होंने बोला कि सेल्फ मेड लेडी हैं और उन्होंने जो किया है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है. और कहा कि मतलब ही रियली सपोर्टेड यू. क्या कहना चाहती हैं आप? डेफिनेटली हमारे जो विधायक है, मंडी के विधायक जी, जी उनके बेटे हैं. यस उनके बेटे हैं और उनके पिताजी के जो पिताजी दादाजी जो है उन्होंने पूरी संचार क्रांति जो लाई थी वो हिमाचल में पंडित सुखराम जी ने लाई थी. तो वो बहुत ही एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आते हैं और अवश्य ही वहाँ पर जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, आपको पता है कि उन्होंने किया भी है संघर्ष, तो उन वो शायद रिलेट करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है वहाँ पे किस तरह की ज़िंदगी होती है एक पहाड़ी बेटी के लिए जो है, तो उनको वो आइडेंटिफाई करते होंगे. तो डेफिनेटली एंड ही इज़ वेरी वेल ब्रॉट अप. जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, आप भी वहीं थी, मैं भी वहां था, हमारा ये सौभाग्य था कि हमें वो मौका मिला. क्या आपको लगता है राम मंदिर इस चुनाव में विषय है, क्योंकि आप हर जगह जय श्री राम के नारे भी लगाती हैं, हम बाकी भी रैलीज में जाते हैं वहां पर भी इसी तरह होता है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में, गृहमंत्री अमित शाह की रैली में, जेपी नड्डा साहब की रैली में भी होता है, तो राम मंदिर क्या मुद्दा है या फिर भावना का विषय है? देखिए एक तो ना मुझे कई बार ना मासूम सवाल जो मीडिया वाले पूछते हैं ना मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो वाकई में इतने मासूम हैं कि अच्छा आपको मैं चालाक दिख रहा हूँ. जो पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा हो कि हम राम मंदिर बनवा के देंगे और इसी हिमाचल से ऐलान हुआ था पालनपुर से, तो नेचुरली आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं. अगर उनके मैनिफेस्टो में ये है कि वो जो देश की जो एक चेतना शक्ति जो है उसने एक संघर्ष पूरा खड़ा किया है, एक पूरी जो मूवमेंट हुई थी जो अशोक सिंगल से लेके जो एल के अडवाणी जी ने जो करी थी जिसमें अटल जी भी थे पूरी, तो वो जो मूवमेंट है आप उसको अंडरप्ले नहीं कर सकते कि फ्रॉम नोवेयर जो है ये राम जी का मुद्दा. नहीं, एक मूवमेंट हुई थी भाई, वहाँ जलियांवाला बाग की तरह गोलियां चली थी, वहाँ कार सेवक मरे थे. तो उसके बाद में अगर एक देश है वो कह रहा है कि भाई हमारे रामलला जो वो टेंट में सोए हुए हैं, और एक पार्टी है वो कहती है कि आप हमें, और ऐसा नहीं है कि दे आर इन पावर और दे फ्रॉम स्क्रैच, तो
पार्टी ने राम मंदिर बनाया है देश के लिए या देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए? प्लीज अंडरस्टैंड टू थिंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए. अब इन बातों को अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं? मेरा मानना है और जो प्रत्यक्ष है, देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए, है ना? तो अब राम मंदिर ही राम मंदिर है सब जगह. ये देश की चेतना शक्ति का ये कमाल है जो राम मंदिर बन के आया है. मेरा अगला सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस दौर के चुनाव में, खासतौर पर 2024 में, राष्ट्रवाद भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? और जिस तरह से विपक्ष बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर अटैक करता है कई मुद्दों को लेकर, क्या आपको लगता है कि वो विषय भी हैं, बेरोजगारी, महंगाई? राष्ट्रवाद जो है वो एक एलियन कॉन्सेप्ट था हमारे देश के लिए, कि मुझे जो है एक अपने देश के प्रति जो है वो एक प्रेम होना चाहिए और सेंस ऑफ जो है इंटेग्रिटी और प्राइड होनी चाहिए. ये इसी को नेशनलिज्म कहते हैं ना, कि माई कंट्री इज द बेस्ट, दैट इज एसेंशियली नेशनलिज्म. तो ये जो भावना है, ये भावना को कहीं ना कहीं जो है वो हीनता से जोड़ा गया था. आप सोच लीजिए जो उनकी क्या मानसिकता होगी जो इस भावना को हीन समझते हैं. कहीं ना कहीं उनके उद्देश्यों में, उनके जो लक्ष्य हैं कि इस देश के टुकड़े होने चाहिए, उसमें जो है ये जो हमारे देश, ये भावना जो उठ के आ रही थी उसमें ये एक रोड़ा बन रही थी. तो इस भावना को हीनता से जोड़ा गया था. ये एक पार्टी है जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है और उससे क्या है, ओवरऑल जो है हमारी, चाहे वो स्टार्टअप्स हो गए, इकोनॉमी हो गई, या सेना बल हो गए, या सीमाएं होगी, उनको एक सशक्तिकरण मिलता है. तो नेचुरली सी बात है, ये इनका मेन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का. राष्ट्रवाद जो है वो मेन एजेंडा है. तो राष्ट्रवाद एक हो गया. और नंबर टू, हमारी इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया के लिए देखने के लिए 11वें नंबर से 5वें और 3रे नंबर पे जाने के कगार पे है. तो नेचुरली जो है हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है और उसमें जो है अगर आपको बाल की खाल खींचनी है दो लोगों को पकड़ के कि भाई ये बेरोजगार है, तो जो आप 60 सालों में नहीं कर सके उससे ज्यादा 10 सालों में करके दिखाया, और भी करके दिखाएंगे. महिला सशक्तिकरण पे आपने बहुत बड़ा काम किया है, मतलब फिल्मों के जरिए. अब आप राजनीति में हैं. हाल ही में दिल्ली में स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ एक सीएम हाउस के अंदर दुर्व्यवहार हुआ, शिकायत उसकी हुई, अरविंद केजरीवाल के पीए को अरेस्ट कर लिया गया है, और आम आदमी पार्टी कहती है सब कुछ बीजेपी ने करवाया है. इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ दयार, मुझे एक बात समझ नहीं आती. एक तो एक सीएम है, वो भी जिस तरह से मैं कहती हूँ कि एक पेरोल पे एक सीएम है, जिस बाहर आए हैं बेल पे, इंटरिम बेल, सॉरी इंटरिम, हाँ, जो एक सीएम है वो इंटरिम बेल पे बाहर आए हुए हैं और कहते हैं कि मैं जो है वो सत्ता नहीं छोड़ूंगा. और उनकी जो है ये आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, उनके खुद के पीए उनकी बीटिंग करते हैं, उनके खुद के पिए. तो क्या भारतीय जनता पार्टी की आत्मा उनके हाथों में घुसकर उनकी बीटिंग करे? किस तरह की बात है, मुझे समझ नहीं आता है. आई फेल्ट वायलेटेड, आई वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द एंटायर इंसिडेंट्स, यू नो, आई वॉज सो वायलेटेड दैट आई वॉज शेकन. हाउ कैन एनी बडी रेज हैंड ऑन एनी वन ए, एंड बिसाइड्स बींग इन लाइक अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर सपोज टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ द डेमोक्रेसी, यू आर द, एक तरह से एक स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है वहाँ का राजा होता है, यू नो, वो उसके प्रजा होते हैं और वो लोग उनके जो भी जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनकी रक्षा करना वो उसका कर्तव्य होता है. और आप जो है इतनी बड़ी वायलेशन कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, एक वुमन का जो है शोषण कर रहे हैं, उनके प्रताड़ित कर रहे हैं, और स्पेशली वो एक अपने पीरियड्स पे है. तो मैं तो कहूँगी कि ये जो पूरा मुझे वाक्य है ना याद आता है, जो महाभारत में जैसे द्रौपदी को जो है व्हेन शी वाज ऑन हर पीरियड्स एंड शी वाज ड्रैग्ड, शी वाज बीटन, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि. चलिए, आपने हमें समय दिया, लेकिन चलते चलते मैं रैपिड फायर राउंड पूछूंगा, तीन नाम लूंगा, उस पर आपको अपनी राय देनी है. पहला नाम प्रियंका गांधी वाड्रा. जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है एक कैरिकेचर ऑफ इंदिरा गांधी बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाने की कोशिश हो रही है. चलिए, अगले नेता है राहुल गांधी. राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है. क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं. मुझे लगता है कि उनके साथ में वो सब हो रहा है, किया जा रहा है उनके साथ में, उनके बस की नहीं है, लेकिन उनकी माता जी उनको छोड़ती नहीं है. पर
उनकी बहन कह रही है पीएम बनने वाले हैं वो इस बारी, क्यों लगता है वो कहाँ पीएम बन सकते हैं? आपको लगता है कि भैया जो इंसान चांद पे आलू उगाना चाहता है फिर वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कभी कभी बात करते करते, ऐसे थोड़ी आपने उनकी स्पीचेस सुनी है कभी? मैंने सुनी है उनकी स्पीचेस, तो सुनने लायक उनकी स्पीचेस में कुछ भी नहीं है, वो बात भी नहीं ढंग से कर पाते हैं, ऐसा लगता है उनको पर्चियां दी होती हैं। और एक दिन तो उन्होंने, मैंने वो नज़ारा देखा था, वो जाके प्रधानमंत्री को उनके गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है, फिर जाके ऐसे आँख मार दी, क्या मतलब वो एक कार्टून कैरेक्टर यार, कम ऑन यार, मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। बिल्कुल आखिरी सवाल है, ये वाला चुनाव खत्म होने के बाद आप भी परिवार को अपने बढ़ाना चाहेंगी? यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट मैरिड? और वो बॉलीवुड से होगा कि राजनेता होगा? आप ये सवाल तो पूछना बनता है आखिर में। बॉलीवुड से तो डेफिनेटली नहीं, आई एम फ्रॉम अ वेरी सिंपल राजपूत क्षत्रिय फैमिली, सो इट विल बी समबडी, ही विल बी समबडी फ्रॉम आउटसाइड फिल्म इंडस्ट्री। आउटसाइड फिल्म इंडस्ट्री, तो माता जी तो आपकी बोलती होंगी जल्दी करो, कब कर रही हो, बोलती है कि नहीं बोलती? अब इस माहौल में कैसे शादी करें आप खुद ही सोचिए। जी चलिए, आपने हमें अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ऑल द बेस्ट आपके चुनाव के लिए। आप लोकतंत्र के महापर्व में अपना भाग्य आजमा रही हैं, आपकी पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कंगना जी। धन्यवाद।